27 मार्च को होनी है पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग। चार दिन पहले CNX ने हमारे लिए यानी एबीपी न्यूज के लिए किया है ओपिनियन पोल। आंकड़े दिलचस्प है, आंकड़े ये बताते हैं कि रेस में दोनों बहुत नजदीक है, कभी वो आगे कभी ये आगे, ये से मतलब TMC, वो से मतलब BJP। तीन रीजन बता चुकी हूं, चौथा सबसे बड़ा रीजन अब बताने की बारी है। चौथे रीजन का नाम है दक्षिण पश्चिम। सीटें इसमें आती है 119, यानी कुल मिलाकर सबसे बड़ा रीजन है। और सबसे बड़े रीजन में देखिए कौन कमाल कर रहा है, कमाल BJP करती हुई नजर आ रही है। 64 से 68 सीटें BJP को 119 में से मिल रही है। TMC 48 से 52 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 204 सीटें। अन्य यहां कुछ भी कमाल नहीं कर पाते हैं। दक्षिण पश्चिम में 119 में BJP आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या फिर BJP, आंकड़े कहते हैं 294 में से TMC 136 से लेकर 140 सीटें पा सकती है। BJP 130 से लेकर 140 सीटें पा सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट 14 से 18 सीटें आ सकती है और अन्य के खाते में 1 से 3। आप देखिए जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम देखिए। मान लीजिए TMC को अगर मिनिमम आते हैं और BJP को मैक्सिमम आ जाते हैं, या TMC को मैक्सिमम और BJP को यहां 130, तो ज्यादा अंतर नहीं होगा। सरकार कौन बनाता है, ये बड़ा सवाल है। ब्रेकिंग न्यूज ये है इन सारे आंकड़ों को देखकर के पश्चिम बंगाल के सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर। चार दिन बाकी है, पश्चिम बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। CNX का सर्वे ये कहता है क्योंकि जादुई आंकड़ा कोई नहीं पहुंच पा रहा। BJP TMC दोनों पार्टियां बहुमत के करीब है। दोनों ही पार्टियों में से कोई भी बना सकता है जिसको बुला दे सरकार, उसकी आंकड़े कुछ ऐसे दिख रहे हैं। हमारे साथ मनोज्ञा जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, वही बात जिसका जिक्र आप कर रही थी, 119 मैच गया आखिरी सेगमेंट में या आखिरी रीजन में BJP के पास। अभिज्ञान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, देखिए ये बिल्कुल अब भावेश झा साहब को बिल्कुल क्लैरिफाई करके ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, ये लाइन ले रही थी कि लोग बोलते नहीं है, अपने मन की बात नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए BJP के अच्छे आंकड़े नहीं है। अब जब ये इतना बड़ा उलटफेर है कि नेक टू नेक है और दोनों में से कोई भी थोड़े से आंकड़े इधर उधर होने पर सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, तो जरूर मैं भावेश जी से पूछूंगा कि क्या अब जो बातचीत हुई है सर्वे लेते वक्त लोगों से, क्या लोग ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा स्पष्टता बता पा रहे हैं कि वो किसको फेवर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल तस्वीर बदल के रख दे रहा है पिछले सर्वे से। देखिए अभिज्ञान, पहली बात ये है कि पहले भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी कि लोग बोलना नहीं चाह रहे थे। हमारा एक अपना मेथोडोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं, अभी भी इस बार भी वही बात है। लेकिन पिछला जो हमारा सर्वे था, पहले भी डिस्कस किया ना, BJP ने ये लाइन ली थी और आज BJP कहेगी कि वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी बोल सकती है। नहीं तो आज पता नहीं क्या, अभी क्या तो पूछ लेते ना मजुमदार जी से। अब से पहले तक जब भी BJP की सरकार नहीं बन पाती थी पश्चिम बंगाल में, तो एक्सक्यूज ये होता था कि वो यहाँ नॉर्थ में कहते बोलवे ना करी, कि बोलते ही नहीं है, हम क्या करें, जवाब ही नहीं देते हैं, डर रहे हैं वहां के वोटर्स, अभी भी डर रहे हैं। देखिए डर की माहौल तो अभी भी पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि तो आपकी सरकार कैसे बहुत नजदीक है, पुलिस प्रशासन है और पुलिस प्रशासन हमेशा TMC के साथ रहते हैं। और इस बार जो है आपको बोल रहा हूँ, हमारे जो संकल्प पत्र आए हैं, मैनिफेस्टो आए हैं, इस मैनिफेस्टो के बाद से BJP का ग्राफ बढ़ रहा है, चल रहा है और भी वोट जितना नजदीक आएगा। मजुमदार जी मुझे ये बात मत बताइए प्लीज, मजुमदार जी आपको लगता है कि मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, जनता पढ़ती है मैनिफेस्टो, सच्ची बात बताइए। मैनिफेस्टो पूरा तो नहीं पढ़ती है, लेकिन मैनिफेस्टो की जो मोटी मोटी बात है वो तो लोगों की निगाह में रहती है, ऐसी बात नहीं। रिजु साहब कुछ कहना चाहते हैं, सब रुकिए एक सेकंड, रिजु साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे सामने रुपिता जी, उनका आत्मा पूरा का भी 2019 का मैनिफेस्टो पढ़ा है, तो मैं अमित शाह जी का जो सबसे फेमस वर्ड है ना वही बोलना चाहता हूँ। ये सब जुमलाबाजी चुनावी जुमला छोड़ दीजिए, लोग आप समझ गए, आप लोग नफरत फैलाओ और जुमला फाटिए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ लोग अभी बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे, ये सब भी साइड कर दीजिए, ओपिनियन पोल का सम्मान कीजिए जो लोगों ने बोला है, चलो सब कुछ समझ के बोला है।
आप लोग का सीट बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सीपीएम के जो लोग आपके कैडर आपके पास में वो लोग अगर वापसी करते और ये लोग अपना वोट शेयर बढ़ाते हैं तो हम लोग 42-43% लेंगे, 170-200 सीट मिलेंगे और आप लोग 80-90 से 50 सीट आ जाएंगे। ओके, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रीजू साहब रुकिए, एंड थैंक यू, आपने कहा कि ओपिनियन पोल का सम्मान करें, कम नेता होते हैं जो कहते हैं। मजुमदार साहब एक सेकंड, बस अखिलेश जी को बोल देने दीजिए क्योंकि वो भी आपसे ही सवाल करेंगे, तो ऐसा कीजिएगा कि पैकेज में आप जवाब दे दीजिएगा, है ना अखिलेश जी? रूबिका जी देखिए, 2 मई और बीजेपी गई 5 राज्यों, और ये आपका जो शोध चल रहा है इसमें भी दिखा जा रहा है पहले से भूमिका की तैयारी हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी की तुलना में नड्डा जी की फोटो लगी है, मोदी जी की फोटो हटा दी गई है, तो मतलब ब्लेम पे मोदी ना आवे अभी से पहले से तैयारी कर ली गई है। और देखिए मोदी जी बस रैलियां करते रहे, थोड़े रैलियां और बढ़ा लें तो अपने आप बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इनके जो वादे हैं जुमले हैं वो लोगों को और याद आते जाएंगे, पिछले लोकसभा से लेकर के जब से किए गए वो सब याद आते जाएंगे। बीजेपी पर कोई मुद्दा नहीं बताया आपने, कहा 2 मई भाई अखिलेश जी आपने कहा, थोड़ा बोल रहे थे 10 सेकंड और, न ममता न मोदी बंगाल में कांग्रेस सबसे बड़ी अलायंस बन के उभर के सामने आने वाली है, क्योंकि बीजेपी पर कोई मुद्दा नहीं, शुरुआत किया था धर्म से, लेकिन